अभी अर्शद भाई कहाँ जा रहे हैं? जंगल में आना है बहुत बने। छोटा हिरन रोड पे था, कुछ ज्यादा लंबी नहीं दे रहा। लद्दाख के बाद शायद आपका पहला ही टूर है। ये देखिए आप जंगल घने जंगल है, थोड़ा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बीच में बनो बहुत लंबा आ गए हम लोग, चला चला के थक गए। गाड़ी कमर दुखने लगी है बैठने वालों की, हिम्मत की दाद देना पड़ेगी इन लोगों की, सबर के बांध की। आइए आप लोग भी आइए अंदर जंगल में जल्दी। हम लोग एडवेंचर करते हुए वाइल्ड लाइफ अभी और आगे खतरनाक रोड आ रहा है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे गाड़ी चलाना। तो रमीज भाई हैं तो चला पा रहे हैं शायद, मैं तो चला भी ना पाऊँ। रमेश भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक चल रही है ना गाड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक नंबर एक नंबर। वो देखिए वहाँ पे छोटा सा एक डियर था, वो अभी भगा है वहाँ से, डॉटेड स्पॉटेड डियर था, और अभी अभी वो रिसेंटली निकल गया है वहाँ से हम लोगों को देखकर। काफ़ी खतरनाक है रोड, क्या है ये तो, बस चट्टानों पे गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, सोचिए बस। और ये बहुत एडवेंचर है हम लोगों के लिए। यस बोल। देखिए हम लोग इस वक्त जो है जंगलों में हैं, वो बहुत घने जंगल हैं, ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, और रास्ते बहुत ख़राब हैं, बिल्कुल कच्चे रास्ते पर गाड़ी चल रही है। आगे और ख़राब रास्ते आने वाले हैं, इसी तरीके से बने रहिए आप लोग। साथ में गाड़ी चला रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वो हमारा लद्दाख ट्रिप भी माशाल्लाह जबरदस्त फेमस कर दिया है। ये देखिए बातें चल रही हैं जंगल में फोनों पे। जंगल में हम लोग इस वक्त भटक चुके हैं। समझ भी नहीं आ रहा कहाँ आ गए हम लोग। अरे तो दो मिनट बात तो कर लो, फोन पे फोन आ रहा, मेरी बात नहीं की भाई से, एक सेकंड लगा रहा हूँ। घने जंगलों में हम लोग। पोलो सेंड कर दी मैंने आपको, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ एक सेकंड। यही तो उसका वो है। ये देखिए हम लोग जंगलों में हैं, अंदर घने जंगलों में। वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप लोग को कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है रमेश भाई गाड़ी चला के? भाई बहुत अच्छा लग रहा है और जंगल में डर काफी लग रहा है यहाँ पर। चलिए आगे चलिए, काफी मजा आने वाला है आपको। ये देखिए वहाँ पे घड़ियाल बैठा हुआ पानी के अंदर, और हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं जंगल में, और थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है कहीं टाइगर ना आ जाए। ओ यहाँ तो बोलेरो लाना थी अपन को दोस्त, एक नंबर। और ये देखिए मंकी ने मेरे सर पे तमाचा मार दिया पीछे। ये देखिए पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ये दिन के नजारे हैं तो रात को क्या होगा ये पूछो। ये दिन के नजारे हैं रमेश भाई कह रहे हैं तो रात के नजारों में क्या होगा, आप लोग गेस करें और कमेंट्स में बताएं। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी फंस गई है भाई लोगों की। यहाँ पे काफ़ी मर्ड है और अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं भाई की हेल्प करने के लिए। अच्छा चलिए भाई, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी। चलिए आइए, भाई क्या हुआ है बताएं जरा। भाई आ रहे थे साइड में, गाड़ी उतर गई थी इनकी, खींचने आए थे भाई ने फोन लगाया था हमें। अच्छा ये देख तो, गाड़ी निकल गई है। ये गाड़ी निकाली है भाई लोगों ने काफी मेहनत से, ये रस्सी और बोलेरो से। बहुत खराब माल हो गया है ये। सलाम वालेकुम बाबा। ये जो है काफी, देखिए काफी मर्ड है यहाँ पे, अच्छी खासी मर्ड रैली। ये मर्ड रैली का मजा आ रहा है यहाँ पे सब लोगों को। ये देखिए पूरे अंदर कीचड़ में गाड़ी चली गई थी, आधी आधी अंदर चली गई थी, बहुत मुश्किल से निकाल लिए बाहर। बहुत मुश्किल का सफर था ये वक्त। बहुत बुरी जो है
कबाब पार्टी शुरू हो गई है यहाँ। ये हमारे शानू भाई, छोटे शानू भाई, बड़े शानू भाई बहुत लगे हुए हैं कबाब पार्टी में और एकदम गदर मच गया है यहाँ पर। कबाब पार्टी जैसी चालू हुई लोगों में अफरा तफरी का माहौल है कि कबाब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जब आप स्पीड देखिए आप इनके कबाब लगाने की, पूरा शहर जानता है इनको। शानू भाई के कहते हैं और बहुत ज़बरदस्त कबाब बना के देते हैं। ये देखो आप जावेद बस कर यार, इधर दिखा दे रहा। अल्लाह तुम लोगों को माफ नहीं करेगा, उस्ताद को मिस नहीं कर रहा तुम लोग साले पेल नहीं टिके हो। अरे